कोट के राजा थे, जिनके पुत्र थे अजीत सिंह। राजपाट खत्म हो जाता है और वो रिश्ता करके मरिया था राजवाला से। फिर राजा ने लोभ आ गया, राजपाट कराया को ना छोरी क्यों ब्याह है। 20,000 रुपये मांगे थे जब वो रिश्ता करा था, और उस राजवाला का मर्दान ने भेष में गुलाब सिंह बना के एक राजा के पहरेदार लग जाते हैं। एक दिन रानी ने बोली, महाराज ये दो पहरेदार से ना इन मत ऐसा लागे जनु एक जनानी हो। बोला नहीं, ये शालकोट के राजा होया करते कदे, ये इसका रिश्तेदार है। बोला अच्छा महाराज धोखा ला क्या होगा। फिर यह बात राजवाला पूछना की महाराज इतने दिन हो गए ब्याह में, बीच में तलवार काट के सो जाओ हो, इस तलवार का के मादला है, हम तो वीर मर्द का मारा नाता है कौन है। जब कही है कि मत ना बोला राजवाला कदे मारे ना है। कदे कदे तो अमर कोट में आदर ठाठ रहे थे, इस मैच पर आ जाएगा। आज भी पाकिस्तान में अमर कोट का राज है और आज भी वो रियासत है। ये रियासत टूट ली पाकिस्तान की, आज भी वो तुरता आजाद हुआ था पाकिस्तान। हिंदू राजा हर पाकिस्तान में होकर दे लाओ दे इसे सर्च पर काट के देख लो, मन में काट ले आते नहीं ना काट के देख लो कदे भी सोचता और बेस कराओ ने तू बोलन। और उन दिनों से रात तक वो एमपी बन के आ रहे हैं। बोलिया सारा सौदा बिगड़ गया, चुप करी एक एक बनिया के नौकरी करूं था। उस तक कहा सोनी होगी, उसने बोली मार दी, रे मेरे ऐसा खाकर है तवा तेरी मांग रही कुंवारी। उसने ब्याह ले क्या होया, भाई जैविक खेती शौकन साहब रामनिवास खड़गपुरा से 100 रुपये और देते भाई का बड़ा बना देना। एक बनिया नकरी नौकरी खोल बता दो सारी, एक दिन छोवे आके में बनिया ने बोली मारी के जीना सतराई तन थूक दुनिया सारी, ऐसा से दे प्याले में तेरी हंड मां कवारी। ये रही इतनी सुनी मुंडे लाला जी की, इतनी सुनी लाला जी की, पेटी रो भुड़वावा ही रहा। जहां इस किस्म के साधु होते हैं जड़ीदाप पर लाग जाए। ये पुर की शोभा होते हैं। एक दिन मैंने पहले अभी बताई थी, द्रौपदी के तेवर इस सभा में कौन सी चीज की अच्छी लागे है, तब न भरी सभा में या फिर बनने बुला ली।
जो राजा जुआ खेल ना सकते बाजी नहीं थी खिलानी, कितने सीखी अधर्म करके उल्टी रीत चलानी। उसमें है के साधु संत ऋषि मुनि योगी सन्यासी शोभा सजयपुर की नगरी की शोभा होती है। शंख लगाओ बांटते रहे मंदिर में प्रसाद बटता रहे। ऋषि मुनि योगी सन्यासी शोभा सजयपुर की रूप पशु पक्षी की शोभा सतगुण शोभानर की। मात संग पुत्री की शोभा पिता संग पुत्र की और मर्दा में मर्दा की शोभा नारी शोभा कर की। या थारी शोभा ठीक नहीं से सभा में बहु बुलानी, तुम कितने सीखे अधर्म करके उल्टी रीत चलानी। तो एक सन्यासी एक साधु नगरी की शोभा होता है। वीर जीओ का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रुपया की बारिश के लिए क्या हो भाई गंगा के धीरा मेरे भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा देगा। गुरुजन तो गुरुजन होते। ये बताया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बताया था प्रहलाद को भाई तू किस बात में बैठ गया, तू तेरे पिता की बात मान, जिस बात में तू बैठा है साधना योग तपो बल भाई ये तो कर्मा त मिला करे से और बेटा बेटी मात पिता के गए न चला करे। तो अपने पिता की बात में नहीं मान गया लड़का पर लाल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज मेरी बात सुनिए आप, अब मैं इतने दूर जा चुका हूँ कि मेरे को वापस वहां से कोई भी लाने वाला नहीं है। मेरा पिता बेशक से राजा हो महाराज हो लेकिन वो ठिकाना न्यारा है और आप कहते हो कि बेटा बेटी का बुरा कभी भी नहीं चाहता माफ करता, लेकिन मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया कि क्या बताऊं। कचोद महाराज जी सासन दरान बदन बेले में केतरवार का टूट के
लिखा है वाणिया ने तरले के बारे करे ना न्यूला फिर मैंने तेरे बाप के पास चिट्ठी लिख दी के राजबंदर मेरी मांग सही नंबरों ब्याह दे तेरे बाप ने सोची के ब्याह होगा न्यू लिख दी भाई 20,000 रुपये हो तो ब्याह होना चाहिए उस समय 20,000 रुपये 20 अरब के समान थे अगर ना तो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी कितने लिया होगा पहले लोगों ने इज्जत प्यारी थी आज रुपये प्यारे उसके पिताजी का यार था एक सेठ उसके पास जाता है नोला जी खानदान के पट्टा लग गए है आप मेरे पिताजी के यार हो यही है कहानी बुनगी 20,000 रुपये दे दो नोला भाई 20,000 रुपये तो दे दूंगा राजा के लड़के पर 20,000 रुपये के ऊपर एक शर्त होगी और क्या जो तू यार तलवार ले रहा है तेरा राजबाला का जब ब्याह हो जाएगा या तलवार पे चढ़ा काट के सोनी है मतलब तुम बहन भाई बने रहोगे नवला जी कितने दिन नवला इतने दिन जितने दिन तई मेरे रफी उल्टे नहीं आऊ ये कान है राजबाला इस तलवार का क्या कहा की चिट्ठी लिखे भेज दिया है लकारा तेरे बाप ने जुल्म करे ओए जुल्म करे बड़ा पारा 20,000 एक लाला पे ले लिया कर दे उधारा इतनी आसक माथी मेरी लगता पड़ेगी बार बड़ा बड़ा धन्यवाद प्यारी मेरे पिता ने कहने
छोटे भाई काफी पैसे ले इन्होंने पहले दिए 100 रुपये और दोनों भाइयों का बड़ा धन्यवाद। मेरा पिता कहे बदमाश रूंग रूंग को
कौन में सोया है हमारे पास जो भक्तों से पैर लगावे तो जा सत्यानाश राम नाम के रटने पे सब पूर्ण हो जा Thank you.